रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत गौरीकुंड हाईवे पर स्थित रामपुर बाजार में मंगलवार रात्रि को हुई जोरदार बारिश के बाद मलबा आ गया, जो कई दुकानों के अंदर घुस गया है। वहीं गौरीकुंड हाईवे भीरी और बांसवाड़ा के बीच मलबा आने से अवरुद्ध है। हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। चमोली जिले के पोखरी में 4 घरों में भूस्खलन का मलबा घुस गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला में बंद है, जबकि देवली बगड़ में हाईवे पर एक ट्रक दलदल में फंस गया है, इससे जाम लग गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गंगानी के पास बाधित है, जबकि यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बाधित है। उधर मसूरी, कोटद्वार, डोईवाला, ऋषिकेश और पौड़ी में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण उत्तराखंड में दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार भूस्खलन से प्रदेश में 75 से अधिक सड़कों पर आवाजाही ठप है। अकेले पिथौरागढ़ जिले में करीब 40 मार्ग बंद हैं। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।